हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल दी सेलिंग बिस्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे एंड मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। सो 6 मई 2021 को डीजी ने एक नया ऑर्डर निकाला है, डीजीएस ऑर्डर 19 ऑफ 2021, जो कि CDC यानी कि कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है सी फेरर्स का, उसके रिगार्डिंग है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें डीजी ने कहा है कि प्रीवियस डीजीएस ऑर्डर जो था 10 ऑफ 2020, उसमें जो CDCs एक्सपायर हो रहे थे या फिर उनका एक्सपायरी ड्यू हो रहा था, तो उनका जो है एक्सटेंशन ग्रांट किया था डीजी ने 6 महीने के लिए, जो भी CDCs एक फरवरी 2020 से 1 अक्टूबर 2020 के बीच में, और 2 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 इस समय में जो भी CDCs एक्सपायर हो रहे थे उनका एक्सटेंशन ग्रांट किया था 6 महीने के लिए। उसी प्रकार आप इस बार भी जो COVID-19 का सेकेंड वेव आया है जिसमें हमारे सारे नेशन को अफेक्ट किया हुआ है, तो इंडस्ट्री की तरफ से डीजी को काफ़ी रिक्वेस्ट किए कि सी फेरर्स के CDC को जो एक्सटेंशन है वो ग्रांट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे सी फेरर्स है जो ऑनबोर्ड है और उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो ओवर हो गया है एंड रिलीवर ना होने के कारण साइन अप भी नहीं हो रहा है एंड दे आर सेलिंग। सो अगर सेल कर रहे हैं तो वैलिड CDC होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, डिमांड भी सी फेरर्स का जॉइनिंग के लिए उसके लिए भी ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग इज़ सारे मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बंद है, सारे ऑपरेशनल नहीं है, जिसके वजह से कोर्सेस कंडक्ट नहीं किए जा सकते एंड कैंडिडेट्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है कोर्सेस अटेंड करना, STCW कोर्सेज, जिसके वजह से रिवैलिडेशन भी नहीं हो पाएगा। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए डीजी ने ये नया DGS ऑर्डर निकाला है 19 ऑफ 2021, जिसमें कि पॉइंट 3 में वो लोग बताते हैं कि इस सारी सिचुएशन को जो COVID-19 पैंडेमिक में हुआ है ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि सारे CDGs का जो वैलिडिटी है जिनका एक्सपायरी फॉल हो रहा है 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022, अब जितने भी CDCs है, जितने भी कैंडिडेट्स है जिनका CDC एक्सपायर होने वाला है 1 जुलाई 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, दोनों डेट्स को इंक्लूड किया है, मतलब 1 जुलाई 2021 के स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 से आखिरी तारीख है उस दिन तक, उन सब का CDC जो है अगले 6 महीने के लिए उन्होंने वैलिडिटी जो है उसका इंक्रीज़ किया हुआ है। सो जिस किसी का भी CDC यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है उनका CDC का जो एक्सपायरी है कंसीडर नहीं किया जाएगा एंड इस डेट के दौरान आपका जो CDC का जो वैलिडिटी है अगले 6 महीने के लिए इंक्रीज़ किया गया है इस DGS ऑर्डर के अनुसार। पॉइंट नंबर 4 में वो बताते हैं कि यहाँ पे इस ऑर्डर में जो DG ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं 6 मंथ्स एक्सटेंशन वाला, उसको एप्लीकेबल होने के लिए सी फेरर्स को कोई भी कोर्सेस नहीं करना है और ना ही कोई एंडोर्समेंट करना है CDC के लिए। तो ये जैसे ही DGS ऑर्डर इफ़ेक्ट में आता है तो 1 जुलाई 2021 के बाद और 31 मार्च 2022 तक जितने भी CDC ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स का एक्सटेंशन उनको मिल जाएगा। बट उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है CDC रिवैलिडेशन का प्रोसीजर फॉलो करके अपने अपने CDCs रिवैलिडेट करवाने हैं एंड शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी कि शिपिंग मास्टर्स, उनको भी उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन दिया है कि
ऐसे सारे CDCs जिनका रिवैलिडेशन होना ज़रूरी है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद इन सभी CDCs को रिवैलिडेट किया जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेफ रहिए एंड आपका और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाता तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के आईडीज़ दिए हैं, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर।